साथियों नमस्कार। मेरे प्रदेश की जनता से ये वादा नेता मीडिया और सरकार से मेरी विशेष अपील है, साथियों हालत गंभीर है, शायद मैं जिंदा रहूँ या ना रहूँ आप लोगों तक अंतिम मेरा मैसेज है। पिछले 6 दिन से मेरे 5 साथी गंभीर हैं, मुझे नहीं लगता कि मैं बच पाऊंगा। ये सरकार की नीतियाँ मारवाड़ का गांधी अपने आप को कहते हैं, गांधीवादी विचारधारा से अनशन कर रहा हूँ। अंतिम है सैया को है, लेकिन कोई बात करने को तैयार नहीं। मेरी क्या गलती मैं युवाओं के लिए आवाज उठा रहा, लिखित में समझौते की मांगों को पूरा करने की मांग कर रहा, रीट एसआई की सीबीआई की मांग कर रहा, बेरोजगार भत्ता अपने वापस करने की मांग कर रहा। क्या यही मेरी गलती है युवाओं की आवाज उठाना? मीडिया राजनेता तमाम लोगों से मेरी अपील है, मेरे जाने के बावजूद भी आप सब लोग संघर्ष करना हार मत मान। मन के संत तक लड़ाई लड़ अंतिम संत तक लड़ो। जिस कांग्रेस सरकार का साथ दिया समर्थन दिया वो संवेदनहीन होती जा रही। मैं उन युवा बेरोजगारों के लिए 9 साल संघर्ष किया, आज लगता है कि तानाशाही सरकार जीत गई। मैं हार गया। कितना परिषद यहाँ बनाया जा रहा है, पुलिस दमका दिया, प्रशासन दमका, सबसे लड़ झगड़ के लंचन कर रहा हूँ बिना डर। परिवार का प्रेशर, माँ बाप का प्रेशर, फिर भी अंतिम तक लड़ा। सरकार से वाजिब मांगों के लिए लड़ना गलत, लिखित समझौते की मांगों के लिए लड़ना गलत, सीबीआई की जांच करना है। कल 15-20 पुलिस वाले धमका रहे थे, मैंने आत्महत्या की धमकी दी, तब वो गए रात को वापस। शायद मैंने कभी भी बिना राजनीति के युवा बेरोजगारों के लिए लड़ा नहीं। पहली बार सरकार के खिलाफ मोर्चा खोला मेरी युवा बेरोजगारों के भविष्य के लिए, और ये मुझे नीति समझ में आ गई। ये सब मुझे मारना चाहते, मेरे 5 लोग और एडमिट, 2 की भी तबीयत खराब है, उनके भी प्रेशर बनाया जा रहा है डॉक्टर द्वारा, उनको भी धमकाया जा रहा है। साथी शायद ये मेरा अंतिम मैसेज आप लोगों के लिए, सच के लिए लड़ना, युवाओं की आवाज उठाना कुछ गुना नहीं होता। मैं माननीय मुख्यमंत्री से कहना चाहूंगा कि मैंने आज तक सिंगल, मेरा परिवार का, मेरा आज तक कोई व्यक्तिगत या कोई सिंगल
कोई मांग नहीं करवाई, कोई बात नहीं रखी मैंने आज तक बेरोजगारों की मांगों के अलावा। क्या बेरोजगारों की आवाज उठाना बोला है? माननीय मुख्यमंत्री जी, आप मारवाड़ के गांधी कहे जाते हो, शांतिपुर को मैं अमर अंश गांधीवादी नीति से कर रहा हूँ और आज मैं खतरे में हूँ। कहाँ गई वो गांधीवादी नीति? कोई दंगा करता है, कोई हंगामा करता है, उनकी सरकार जल्द सुन लेती है। और यहाँ मेरे और साथी तड़प रहे हैं, दो तड़प रहे हैं, पांच लोग अनशन में बैठे हैं। ये मुझे लाइव इसलिए आना पड़ा, पता नहीं मैं जिंदा रहूं या ना रहूं। लेकिन मैंने पहले कहा था, मैंने हमेशा बेरोजगार जी है, हमेशा बेरोजगार संघर्ष किया। मैं संदेश दे रहा हूँ मेरे साथ, अभी पुलिस प्रशासन के लोग आए हुए हैं, लगातार हर चीज का मुझे सामना करना पड़ा। साथियों, सच के लिए लड़ाई लड़ रहा हूँ। छह दिन में सरकार की तरफ से कोई भी वार्ता का बुलावा दिया है, नहीं उन्होंने पूछने की कोशिश की। फिर भी माननीय मुख्यमंत्री जी से यही निवेदन करूंगा, क्या युवाओं की आवाज उठाना गुनाह है? लिखित के समझौते तो लिखित में मंत्रियों ने समझौता किया था, उनकी मांगों के लिए लड़ना क्या गुनाह है? मैंने आपको अवगत करवाया चार अक्टूबर को मिलकर समझौते की मांगों को, रीट एसआई में जो घपला हुआ उन मांगों को किस पर्चे बना हुआ है, कुछ सबूत भी मैंने दिए, कुछ ऑडियो के बारे में मैंने बताया। मुझे आशा थी कि आप जरूर परिणाम निकालोगे, राहत आपने विश्वास दिलाया था कि छात्र में फैसला करोगे, तो फैसला नहीं आया तो मंसन पे बैठे। और जो 23 फरवरी को जो समझौता हुआ था लिखित में, समझौता मंत्री मुकर गया सुभाष गर्ग, प्रयोगशाला सही भर्ती 2018, रीट शिक्षक भर्ती 2018, स्कूल व्याख्या 14%, शिक्षक भर्ती 2018, पंचायत राज एलडीसी, पंचायत राज जय, शिक्षा विभाग में हमने जात पदों पर किया, शिक्षा विभाग में भर्ती आया। वीडियोग्राफी बायोमेट्रिक लॉक करना भी फिर मांगे, जो हालांकि 4-5 मांग पिछले दिन से हो गए, लेकिन 3-4 मांग जो और मांगों के लिए संघर्ष आ रही है। मेरा अंतिम अनशन जारी रहेगा, शायद मैं रहूं या न रहूं, लेकिन सच के लिए लड़ाई में कर